रतलाम के माड़ा चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। दो दिन में करीब 1500 से ज्यादा श्रद्धालु अपने घर से सोना चांदी हीरे जवाहरात और नगद रुपए लेकर माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धा और आस्था के साथ आम नागरिक यहां अपने धन को जमा करवाते हैं और उसी आस्था के साथ यहां से श्रद्धालु उतने ही रुपए वापस लेकर भी जाते हैं। आम जनता के धन से ही इस मंदिर की सजावट की जाती है। इस बार मंदिर को नए नोटों से सजाया गया है। पर रतलाम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और आस्था के साथ अपना धन जमा करवाते हैं। मंदिर में 4 नवंबर तक ही श्रृंगार सामग्री ली जाती है। इस बार खास बात यह है कि मंदिर में छोटे नोटों की तुलना में 200, 500 और 2000 के नोट ज्यादा आ रहे हैं। श्रद्धालु रतलाम से नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं और आस्था के साथ अपना धन रख कर जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये पूरा मंदिर 9 कैमरों से कैद है। मंदिर में पुलिस की व्यवस्था भी की गई है जो 24 घंटे निगरानी कर रही है। अपनी पत्नी के साथ आए महिपाल शर्मा ने बताया कि वो विगत 10 साल से यहाँ आ रहे हैं और अपना धन माँ की चरणों में रख कर जाते हैं और प्रसाद के रूप में दोबारा अपना पूरा धन वापस लेकर भी जाते हैं। 10 साल से और सब माता जी का दिया हुआ है, इसलिए माता जी को अर्पण करते हैं, उनका ही प्रसाद वापस मिले। मान्यता माता जी की मान्यता है, इससे बड़ी मान्यता क्या, बरकत रहती है। मंदिर में आई पेशे से वकील श्रद्धा बिना किसी लिखत पढ़त के अपने रुपयों को रख कर यहाँ जाती है और कुछ दिन बाद पूरे रुपए लेकर वापस अपने घर लौटती हैं और ये सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। माँ लक्ष्मी का मंदिर धनतेरस से भाई दूज तक सजा रहता है, जिसे देखने के लिए लोग देश प्रदेश और आसपास के जिलों से दर्शन के लिए आते हैं। रतलाम जिले में माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुबेर का खजाना सजाया जाता है। रतलाम जिले की नहीं, पूरे भारत की पब्लिक यहाँ आके अपना पैसा सोना चांदी जिसके जो माता जी हुक्म करती है वो यहाँ रखता है और दीपावली के 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी उसको समय मिलता है वो अपना धन पैसा सोना चांदी जो भी वो रखता है उसको वापस दे दिया जाता है। Thank you.